हो गया लोगों सबका कॉपी। अच्छा लोगो कॉपी करने के बाद मुझे बाइस्ता बोलना पड़ेगा। अच्छा पहला काम ये है कि जो स्प्लैश स्क्रीन वाला काम है बहुत सिंपल है, ठीक है। हमने करना क्या था कि लोगो एक तो कंट्रोल ए प्रेस करें और लोगो को हम यहाँ से बिल्कुल सेंटर लाइन कर देंगे, ठीक है। ये लोगो की कंप्लीट बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुई, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इतना सेलेक्ट किया कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इस लेयर को हम डन कर देते हैं। ठीक है, इस तरह तो लोगो हमारा इस तरह से मिडल में होना चाहिए। अच्छा अब इसको हम दो से तीन तरह से डिजाइन करते हैं। तो पहला काम सिंपली ये कि हम मिडल के अंदर लोगो ऐड करते हैं, तो अगर इसके अंदर से यहां से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, लेट्स से इसके अंदर ब्लैक और दूसरा कलर कौन सा, रेड। तो पहला काम हम ये करेंगे यहां से कि एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे, यहां से सॉलिड कलर ऐड करते हैं, तो उसको प्लेन वाइट की जगह हम इसको यहां से ग्रे कर देते हैं और इस लेयर को ड्रैग करके हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। ये ले, इतना सा काम है बस और ये स्प्लैश स्क्रीन बन गई, ठीक है। ये एक मेथड है कि या तो व्हाइट कलर हम प्लेन समटाइम अगर क्लाइंट कहे तो यूज करते हैं, अदरवाइज हम कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर लास्ट में ऐड करते हैं। दूसरा काम हम क्या करते हैं, इन दोनों को लेयर को सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ठीक है, इस तरह से, और इसको हम रीनेम कर लेते हैं इसी के नेम पे डबल क्लिक करके, ठीक है, स्लैश स्क्रीन, ठीक है, इसको करते हैं वन, ठीक है। अब कंट्रोल जे प्रेस करें तो ये कंप्लीट ग्रुप भी डुप्लीकेट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और जो फर्स्ट वन है इसको हम लॉक कर लेते हैं ताकि इसकी कोई भी लेयर या जो भी इसके अंदर हमने एलिमेंट्स ऐड किए हैं वो ना तो सिलेक्ट हो ना मॉडिफाई हो। और अब हम इसको रीनेम करके इसको करते हैं टू। अच्छा दूसरा काम क्या है कि फॉर एग्जांपल जहाँ से ये देखें इसमें ब्लैक और रेड दो कलर है, तो दूसरे काम में हम क्या करेंगे कि ये जो कलर एडजस्टमेंट ले रहा है इस पर थंबनेल में डबल क्लिक किया और कलर हमने यहाँ से ये रेड पिक कर लिया, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद जो हमारा लोगो है इसको हम कर लेंगे व्हाइट कलर के अंदर, ठीक है, रिवर्स कलर जैसे हम कहते हैं। तो एक तरीका ये है कि यहाँ से इसको लॉक करें ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को, ठीक है, इसको लॉक कर लिया हमने और उसके बाद यहाँ से व्हाइट कलर सेलेक्ट किया और आल्ट बैकस्पेस, ठीक है, ये हमारा लोगो रिवर्स कलर में आ गया। लेकिन अगर हम जो हमारा ओरिजिनल लोगो है अगर हम उस पर कलर फिल कर देंगे, अगर बाद में वापस कलर चाहिए होंगे तो हमें वो नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए हमें या तो इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर देन फिल नहीं होता, फिर आपको मॉडिफाई करके वहां पे जाके करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर ओपन करते हैं, यहाँ से सॉलिड कलर ऐड करते हैं व्हाइट कलर का, ठीक है, इस तरह से, और इस लेयर पर राइट क्लिक किया और इस लेयर को हम लोगो के साथ क्लिप मास्क कर देंगे इस तरह से। समझ लगी कि ऊपर से गए, दोबारा करते हैं और इसको भी मैं हाइड करता हूं। नॉर्मली हम कलर किस तरह से फिल करते हैं कि जिस भी लेयर में कलर फिल करना हो पहला काम हम क्या करते हैं कि यहां से ये ट्रांसपेरेंट लॉक करते हैं दिस वन, ठीक है, ये स्पेसिफिक, तो इस ट्रांसपेरेंट को लॉक करते हैं ताकि जो भी ट्रांसपेरेंट एरियाज है उस लेयर का उसके अंदर कलर फिल नहीं होना चाहिए, जो हमारा लोगो है सिर्फ उतने में कलर फिल होना चाहिए, ऐसे ही है। और उसके बाद हम सिंपली करते हैं यहाँ से आर्ट बैकस्पेस, ठीक है, इस तरह से, तो आर्ट बैकस्पेस करेंगे तो हमारा कलर फिल हो जाता है, ऐसे ही है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, जो हमारा ओरिजिनल लोगो है उसके दोनों के दोनों कलर हमने लूज कर दिए, हमारे पास अब जिस वाइट है या ब्लैक है, अगर हम इसको कोई भी और कलर फिल करें, लेट्स से मैं यहाँ से पर्पल कर देता हूँ, तो देन हमारे पास सिंगल पर्पल कलर है, हमारे पास वो रेड और वो ब्लैक दोनों वापस नहीं आएंगे, ऐसे ही होता है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अंडू करते हैं, ये हमारा ओरिजिनल लोगो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से ये बॉटम से एडजस्टमेंट लेयर्स में जाकर, ठीक है, सिंपली यहाँ से ये सॉलिड कलर की लेयर ऐड करते हैं और उसके बाद यहाँ से हमें जो भी कलर चाहिए
लेट्स से हम पर्पल ही पिक करते हैं, और पर्पल जो भी कलर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद हम इस लेयर को, ठीक है, इस लेयर के साथ जो हमारी जो लोगो वाली लेयर है, ठीक है, इन दोनों को हम क्लिप मास्क कर देंगे। तो एक क्लिप मास्क करने का तरीका है कि आर्ट प्रेस करें, ये देखें एरो चेंज हो गया इसका, मैं आर्ट रिलीज करता हूँ देन अगेन होल्ड करता हूँ। तो ये जो आप आइकन देखेंगे वो इंडिकेट कर रहा है कि ये लेयर नीचे वाली लेयर के साथ क्लिप मास्क हो जाएगी, तो आप इस पर क्लिक करें, ठीक है, तो ये क्लिप मास्क हो गई। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसी लेयर में राइट क्लिक करें और देन यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तब हमने किया क्या, हमारा जो कलर है केबल चली गई, हो गया सबका कलर चेंज जी। अच्छा मैं आपको सारे स्टेप दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, पहला काम हमने ये करना है कि आर्टबोर्ड तो हमने क्रिएट कर लिया, और उसके बाद मेक श्योर किया करें कि जो जब भी आप आर्टबोर्ड क्रिएट करें, ठीक है, आपका कलर मोड आरजीबी होना चाहिए, यहाँ से ये वाला।
अगर इन केस अगर आपने ग्रे स्केल सेलेक्ट कर लिया तो कलर मोड आपका यहाँ से भी चेंज हो सकता है। इमेज, ये देखिए मोड, और ये सारे के सारे कलर मोड है। अगर आपकी इमेज लेट से डॉक्यूमेंट का कलर ग्रे स्केल है। अच्छा, दूसरा काम हमने क्या करना है, यहाँ से आप कोई भी लोगो पिक कर लें, लेट से ये पिक कर, और बल्कि इसको हम यहाँ से टूल और ये इसका डायमेंशन भी हाईलाइट कर लेते हैं, ये वो पिक करते हैं जिसकी रेजोल्यूशन ज्यादा। तो लेट्स से दिस वन, सारे छोटे आ रहे हैं। अच्छा, ये तो प्रॉब्लम है। ठीक है, ये देख, ये बात। तो अब अगर इसका मैं बैकग्राउंड हाइड करता हूँ, तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि जो इसकी इसकी अपनी वाइट बैकग्राउंड है, पहले हमने ये रिमूव करनी है। बिकॉज अगर ये वाइट बैकग्राउंड नहीं रिमूव करेंगे और इसके अंदर अगर हम कलर फिल करते हैं यहाँ से, देखिए सॉलिड कलर, और उसको हम क्लिप मास्क करेंगे तो वो बॉक्स बना देगा। ठीक है, इसलिए पहला काम हमने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट देन कलर रेंज, और उसके बाद ये जो व्हाइट कलर है इसको हमने ठीक करना है, और उसकी रेंज हम ठीक है, ये देखें यहाँ से हम इसकी रेंज, जो व्हाइट कलर इसकी रेंज डिक्रीज या इंक्रीज भी कर सकते हैं। जो एरिया सिलेक्टेड है अगर उसके अंदर हमने व्हाइट इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो जितना भी आपको एरिया चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिंपली ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये सिलेक्शन आ गई है सारी की सारी। और इस व्हाइट एरिया जो हमने सिलेक्ट किया है, मेक श्योर करें कि इसके अंदर से लोगों का कोई पार्ट डिलीट ना होगा। ठीक है, तो अगर ये देखें इसके, अगर ये हाउस का ये वाला ग्रे एरिया उड़ रहा है, तो हम इसको आर्ट प्रेस करके यहाँ से ये पॉलीगोनल टूल सेलेक्ट करता हूँ, लेसर टूल, और जो ये वाला एरिया है जो इसके लोगों के अंदर का पार्ट है, मैं उसको यहाँ से माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरह जो ये ग्रे स्केल एरिया है, बिकॉज हमने लोगों के जो एक्स्ट्रा एरिया है वो हमने वो नहीं डेल करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपने मॉडिफिकेशन के बाद सिंपली क्या करें, जो व्हाइट स्पेस है इसको कीबोर्ड से डेल का बटन प्रेस करें, डेल हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट ये कलर्ड लोगो बचा। क्लियर है, अब इसके बाद हमने ये करना है यहाँ से इसको, अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड ऐड करते हैं। ठीक है, सॉलिड कलर, और इसका कलर हम पिक कर लेते हैं यहाँ से ये वाला, दिस वन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से सॉलिड कलर, और पहले हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे इसकी। ये देखिए मैंने यहाँ से कलर सेलेक्ट किया था तो एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली वही कलर सेलेक्ट हो गया, तो प्रोजेक्टर के हिसाब से इसको थोड़ा सा ब्राइट कर लूँगा ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया। इसके ऊपर हमने क्या करना है, इस लोगो को वाइट यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, इस लोगो को सेलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ से अगेन सॉलिड कलर, और इसको हम प्योर वाइट करेंगे, और इस कलर को हम राइट क्लिक करके क्रिएट यहाँ से क्लिपिंग मास्क, दैट्स इट। ठीक है, इतना। ठीक है, वो एरिया जैसे ये ब्लैक वाले, अगर हम इसको माइनस करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन एरियाज को सिलेक्ट किया यहां से, ठीक है, बल्कि ये भी रह गया, तो शिफ्ट प्रेस करके मैंने सबको सिलेक्ट किया, और इस लोगो को क्या करेंगे हम यहां से, ये देखिए ये हमने इसके ऊपर लेयर मास्क अप्लाई किया, और इसको हम यहां से इन्वर्स कर देते हैं, और अब इसका कलर ऑन करते हैं। अब देखें तो वो एरियाज जिसपे आप चाह रहे हैं कलर फिल ना हो, उतने एरियाज को सिलेक्ट करें, उस पर लेयर मास्क अप्लाई करते हैं ताकि वो एरियाज ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए। ठीक है, दूसरा काम ये होगा कि जिसमें हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर सॉलिड होता है और उसके ऊपर जो हमारा लोगो है वो हम इस तरह से व्हाइट यूज करते हैं, और इसका साइज हम यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं।
ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा जो भी आप डिजाइन करें, जो जो भी कंटेंट है, लोगोस हैं, सारा का सारा कंटेंट एजेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड इमेजेस इस तरह की जितनी चीजें हैं वो सारे के सारी एजेस पे जा सकती हैं, लेकिन लोगोस कंटेंट या जिसके बाद लेट्स से जो हमने लॉगिन करके बाकी पेजेस बनाने हैं, तो सारे के सारा कंटेंट एजेस के अंदर होना चाहिए, एजेस के बिल्कुल ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने कंटेंट यहाँ से नहीं स्टार्ट करना। इस लेयर को लॉक कर लेते हैं कलर वाली को, ये देखें यहाँ से। तो ये मुराद है जिससे, तो हमने कंटेंट यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, हमारा एटलीस्ट इतना डिस्टेंस हो कि जितना भी कंटेंट हो हमारा एजेस से इस तरह से दूर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी सेकंड ऑप्शन है जिसमें हम क्या करते हैं कलर रिवर्स यूज करते हैं। और थर्ड काम क्या करते हैं, हम या तो इसी से रेलेवेंट बैकग्राउंड ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ से ठीक है पैक्सल से जाते हैं हम, यहाँ से हम प्रॉपर्टी की कोई भी इमेज पिक कर लेते हैं। ठीक है, उस तरह की इमेज पे कीजिएगा जो कि वर्टिकली जिसकी हाइट ज्यादा हो, बिकॉज उसको एडजस्ट करना इजी होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं और इसको हम ये बैकग्राउंड के इधर नीचे ले आते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके यहां से हम ओपेसिटी डिक्रीज कर देंगे, इतनी सिर्फ विजिबल होके बैकग्राउंड है। ठीक है, ये देखते हैं इस तरह से, तो बैकग्राउंड में हमारी प्रॉपर्टी का इमेज विजिबल है, देन उसके ऊपर लोगो है, देन उसके बाद जो हमारा लोगो कलर था वो था, ये थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, और सम केसेस में क्या होता है कि जो हमारे लोगोस हैं, ये जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट नहीं होता, उसके लिए हम क्या करते हैं लोगो के ऊपर राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में आए और यहाँ से ड्रॉप शैडो ऐड करते हैं और इसको मल्टीप्लाई की जगह हम नॉर्मल करते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शंस, देन ड्रॉप शैडो। ठीक है, ये देखिए, तो एक तो हमने इसका डिस्टेंस खत्म करना है और दूसरा में इतना ब्लैक नहीं चाहिए, हम इसकी यहाँ से ओपेसिटी डिक्रीज करेंगे, बिकॉज हमने जस्ट उसको सेपरेट करना है बैकग्राउंड से। ठीक है, इस तरह से क्लियर है, ये वो चीजें जो हमने पहले की हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड इमेज हम ऐड कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी डिक्रीज कर सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन क्या है, अगर आपके पास लेट्स से ये तो प्लेन कलर है, आपको एक चीज याद होगी हमने एक दिन किया था, लेट्स से हम ढूंढते हैं, यहां से हम ब्लू कलर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ब्लू वॉलपेपर, और यहाँ से हम ये टूल्स पे आते हैं और यहाँ से मेक श्योर करते हैं कि जो लार्ज साइज है वो सिलेक्टेड हो, और यहाँ से हम कोई ना कोई बैकग्राउंड पे करते हैं। ये वाले पे करते हैं, ठीक है, इस बल्कि इस पे सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, इसको हम अभी के लिए हाइड करते हैं और इसको हम वर्टिकल रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह अब ये वाली इमेज कॉपीराइटेड है बिकॉज हमने डायरेक्टली गूगल से पिक की है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको टेक्सचर में कन्वर्ट करने के लिए फिल्टर, देन ब्लर और यहां से गाशियन ब्लर। ठीक है, और इसको हम इतना स्मूथ करेंगे
कि जिसका ओरिजिनल टेक्सचर है वो हाइड हो जाए, देन ओके okay, और उसके बाद ये वाली इमेज, ठीक है। अब तो जो बैकग्राउंड इमेज है उसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई है, इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं ये इस तरह, ठीक है। और अगर आप ना भी यूज करें, अगर प्लेन बैकग्राउंड यूज करना चाहें तब भी हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। चार ऑप्शंस क्लियर है। पहले में हम क्या करते हैं कि हम बल्कि एक चीज और भी करते हैं इसके साथ। तो पहले ऑप्शन में हम क्या करते थे, मुझे चाहिए था सारी की सारी ऑप्शन सेपरेटली सेव करता, ठीक है। पहली ऑप्शन हमारी ये थी जिसके अंदर हम ओरिजिनल को जूम करते हैं, तो हम ओरिजिनल लोगो कलर यूज करते हैं जो भी हमारे लोगो के कलर्स हैं, ठीक है। देन बैकग्राउंड में लाइट ग्रे या लेट से जो भी, अगर हम चाहें तो इसको मॉडिफाई करके ग्रे की जगह इसमें रेड भी ऐड कर सकते हैं, तो यही रेड सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से हम लाइट कर देते हैं इस तरह, ठीक है। सेम कलर टोन तो हम ये भी कर सकते हैं, अगर सेम कलर टोन यूज नहीं करनी तो आप ग्रे कर सकते हैं। प्योर व्हाइट हम बहुत कम यूज करते हैं अंटिल अनलेस कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। ये पहला पार्ट है जिसके अंदर आप प्लेन बैकग्राउंड यूज करते हैं। दूसरे ऑप्शन में हम क्या करते हैं कि इस तरह से लोगो इन्वर्स करते हैं और उसके पीछे जो लोगोस के कलर वो सेम बैकग्राउंड ऐड करते हैं ताकि वो दोनों चीज़ें रिलेट करें। अगर आप फेसबुक की एग्जांपल है, जैसे आप फेसबुक रन करते हैं तो जो उसका स्प्लैश स्क्रीन का जो पहला कलर आएगा वो ब्लू आएगा और मिडिल में उसका लोगो वाइट आता है, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन है। और थर्ड हम क्या करते हैं कि अगर हमें बैकग्राउंड भी चाहिए, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं कि अगर हमें बैकग्राउंड भी चाहिए और ये जो लोगो है ये भी हमें इस तरह से ओरिजिनल कलर में यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो मिडिल वाला एरिया है उसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे सर्कल ऐड करते हैं और ये सारे के सारे क्लिप मास्क हो रहे हैं, मैं इसको नीचे ले आता हूं, ठीक है। अब हमें इसका शेडो नहीं चाहिए, शेडो वाला पार्ट इसका हम हाइड कर देते हैं, जो दूसरा नीचे वाला लोगो पे करते हैं, ठीक है। इस लेयर को ऊपर लेके आते हैं, इस सर्कल को हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया और देन इसी को डुप्लीकेट किया, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया और इसकी कैपेसिटी यहां से हमने डाउन कर दी, लेट्स से कितना 60% करते हैं, ठीक है। और देन इसी को डुप्लीकेट किया कंट्रोल टी और इसको इससे डबल बड़ा करते हैं और इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी और कम कर देते हैं, लेट से 40, ठीक है। ओके, ठीक है, इस तरह से। तो एक काम हम ये करते हैं कि मिडल के अंदर या सर्कल यूज़ कर लें या स्क्वायर यूज़ कर लें या कोई भी बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर लें कि हम जो लोगो वाला पार्ट है उसको वाइट रखते हैं ताकि हमारा जो लोगो है वो सेम कलर्स के अंदर है और इसको हम यहाँ से ब्लू के बजाय रेड करते हैं। यू सैचुरेशन आई गेस ऑलमोस्ट यहाँ पर और इसमें सैचुरेशन ऐड करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अब हमारा देखिए सेम कलर है, तो ये थर्ड पैटर्न है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लोगो हमारा सॉलिड कलर के अंदर और बाकी जो बैकग्राउंड है जिस तरह हम उसे शफल करते रहे। क्लियर है, क्वेश्चन है तो बताएं यहां पर। देखिए प्रैक्टिस करने की जरूरत तो नहीं ये वाले काम, बिकॉज इसके अंदर हमने इतनी चीजें की नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज जो इसके बाद वाला काम है उसे हम कहते हैं ऑन बोर्ड स्क्रीन्स। तो आप कुछ वेबसाइट्स बल्कि मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये बताइए, एक तो हम फ्री पिक से भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। फ्री पिक वहां से हमें इलस्ट्रेशंस मिलती हैं, तो अब हमें इलस्ट्रेटर भी आता है, फोटोशॉप दोनों आते हैं, तो मोस्टली जो आपको इलस्ट्रेशंस मिलेंगी वो सारी की सारी ईपीएस फॉर्मेट या अडोब इलस्ट्रेटर की मिलती हैं। तो हमने यह करना होता है कि उस जो भी इलस्ट्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम कॉन्टेंट नहीं है वरना
ठीक है, जैसे ये है, तो अगर हम यही वाला कंटेंट यूज करें, जैसे पिक योर डेट है, तो हम क्या करते हैं यहां से फ्री पिक से ठीक है कैलेंडर सर्च करते हैं, ठीक है, और यहां से इसके यहां पे ये इसके ऑप्शंस हैं, ऑल रिसोर्सेज की जगह यहां से हम करते हैं वेक्टर्स, एक फ्री और दूसरा वेक्टर्स, ठीक है, और देन इसको दोबारा सर्च करते हैं। तो अब यहां पे हमारे पास ये देखें इस तरह से लिस्टेशन आएंगी, ये वाली या इस तरह की लिस्टेशन, ये सारी की सारी, ठीक है। तो यहां से हम कोई भी लिस्टेशन पिक कर सकते हैं, और इसके अलावा कौन सी, लेट्स से दिस वन, मैं डायरेक्ट इमेज कॉपी करता हूँ टाइम सेव करने के लिए। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऑलरेडी रेड कलर अवेलेबल है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये जो लोगो है इसमें भी रेड कलर अवेलेबल है, तो इसलिए मैं ये वाली पिक कर रहा हूँ, टाइम बच जाएगा आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। अदरवाइज अगर इसके कलर डिफरेंट हो, आप इसको डाउनलोड करें, ठीक है, एज आप एज एन ईपीएस या इलस्ट्रेटर की फाइल डाउनलोड होती है, इसको इलस्ट्रेटर में ओपन करें, अगर लेट से ये रेड की जगह ऑरेंज कलर होता है, या लेट से पर्पल कलर होता है, या ब्लू कलर होता है, कोई भी और डिफरेंट कलर होता है, तो आप इलस्ट्रेटर में जाके इसको अनग्रुप करके रिलीज क्लिपिंग मास्क करके आपने कि जितने रेड वाले एलिमेंट है सबको आपने ब्लू करना है, फिर देन वहां से सिंपली कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा फोटोशॉप में। तो एक तो वो आपकी इलस्ट्रेटर की स्टिल फाइल रहेगी, जब भी आप जैसे हम स्मार्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, तो सिंपली आप इसके थंबनेल पर डबल क्लिक करेंगे तो हमेशा वो वाली आपके स्पेसिफिक लिस्टेशन आपको इलस्ट्रेटर पे लेके जाएगी, ठीक है, एक तो उसका ये बेनिफिट है। अच्छा, अब हम इसी को सेव एज करते हैं, फाइल सेव एज, और इसका नाम हम रखते हैं ऑनबोर्ड स्क्रीन, ठीक है। अब हमें इसके अंदर बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बिकॉज ये जितनी वाली भी बैकग्राउंड है सारी की सारी हमें प्लेन चाहिए होती है, सर्कल्स बैकग्राउंड इमेज कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लोगो चाहिए, ठीक है, इस तरह से। इवन तो हमें लोगो भी नहीं चाहिए अभी के लिए हमें, बिकॉज लोगो तो स्प्लैश स्क्रीन पे आ गया, ऑनबोर्ड स्क्रीन पे नहीं आएगा, इसका साइज छोटा लेकिन खैर है। अच्छा, इसी जैसे ये थी फ्री पिक थी, इसी तरह ही फोर डिफरेंट वेबसाइट्स और भी हैं, अनड्रॉ है, देन रॉकेट है, मैनीपिक्सल्स है, और उसके बाद ह्यूमंस है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की ये देखें, ये रॉकेट है, यहाँ से आप लिस्टेशन पे कर सकते हैं, देखें फ्री लिस्टेशन, और इसी तरह ये अनड्रॉ है, यहाँ पे आपको इस तरह की लिस्टेशन मिल जाएंगी। तो जो भी कलर पिक करें, या लेट्स से जो भी डिजाइन पिक करें, जो भी स्टाइल पिक करें, बाकी जितनी ऑनबोर्ड स्क्रीन है सब पे आपने सेम टाइप की लिस्टेशन यूज करनी है, डिफरेंट यूज नहीं करनी, ठीक है। यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं, लेट्स हमें चाहिए था खेल टाइम, ठीक है, ये देखें, तो ये टाइम से रेलेवेंट हमारे पास ये सारी की सारी लिस्टेशन है, और ये SVG या PNG दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं आप। SVG करेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट लिस्टेटर की फॉर्मेट है, ठीक है, इसको हम यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहां पे, और ये हाई रेज भी है, ठीक है। आप देखें इसके कलर डिफरेंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इलस्ट्रेटर पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, और जो इसके जो ओरिजिनल कलर्स हैं, जो हमें रेड वाले चाहिए हम वो वाले ऐड करेंगे, हम लेट्स से ये पर्पल नहीं यूज कर सकते, तो हमें जो हमारा थीम है, जो हमारा लोगो है, हमने एग्जैक्ट वो कलर यूज करने होते हैं। लेकिन टाइम की कमी की वजह से मुझे आजादी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम लोग ये टेक्स्ट पे पिक करते हैं, पिक योर डेट, ठीक है। अब यहां पे आपने एक काम और करना है, यहां पे फॉन्ट वो यूज कीजिएगा जिसके सारे के सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हो, लेट्स से लाइट, थिन, बोल्ड, सेमी बोल्ड, ब्लैक, वो वाले वेरिएंट यूज कीजिएगा, बिकॉज फॉन्ट हमने एक या दो यूज करने, से ज्यादा फॉन्ट नहीं यूज करने है। अगर डिफरेंट भी करना है, हेडिंग्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, जो कॉन्टेंट है उसके लिए, आपको याद होगा जो हमने डिजाइन वाली प्रेजेंटेशन की थी, जितने भी स्क्रीन्स और ये जो वेबसाइट्स होती है सबके अंदर जो रीडिंग वाला फॉन्ट है सारे के सारा कौन सा था,
सेंस सेरिफ, सिर्फ हेडिंग्स के लिए हम सेरिफ यूज कर सकते हैं, बाकी हर वो टेक्स्ट जो पैराग्राफ के अंदर है, जो डिटेल्स के अंदर है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना भी कॉन्टेंट एरिया है, वो सारे का सारा सेंस सेरिफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली हेडिंग है, इसको हम सेरिफ यूज कर सकते हैं, बिकॉज एक तो इसका फॉन्ट साइज बड़ा होगा, इसकी वजह से जो सेंस सेरिफ और जो सेरिफ वाले फॉन्ट है वो रीडेबल है, लेकिन जो टेक्स्ट वाले एरिया जिसके नीचे हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वो सारी की सारी सेंस सेरिफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग आ गई, इसको भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और इसी के नीचे हम ये पैराग्राफ ऐड करते हैं। तो पहले हम क्या करते थे, सिंपली क्लिक करते थे और टाइप कर लेते थे, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे हमने क्लिक करके टाइप नहीं करना, हमने यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करना है, और वो किस तरह से होता है, क्लिक करके ड्रैग करें इस तरह से, ये देखें। तो आपके पास ये बॉक्स ऐड हो गया, तो अब जितना भी टेक्स्ट है इस बाउंड्रीज के अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाता। तो यहाँ से हम डमी टेक्स्ट पिक कर लेते हैं, लॉरम इप्सम, तो यहां से जितना मर्जी टेक्स्ट पिक कर ले, और यहां से हम इसको फॉन्ट अप्लाई करते हैं, आई गेस 36, ठीक है। और मेक श्योर कीजिएगा कि जो इसकी जो लाइन हाइट है इसको ऑटो कर दें, बिकॉज फॉन्ट साइज जैसे जैसे चेंज होगा वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। इसको 46 करते हैं, बिकॉज रीडेबल नहीं हो रहा अभी तक, ठीक है। अब हेडिंग हमारी सेंटर्ड है, तो विच मीन ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको भी हम यहाँ से टॉप से ये पैराग्राफ से हम इसको सेंटर लाइन करेंगे, ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो मिडिल के अंदर है, इस तरह से। इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज हम एक और ऐड करते हैं, ताकि जो हमारी ये जो फ्लैट स्क्रीन ना लगे, ये मोबाइल की स्क्रीन लगे, हम यहाँ पे जो टॉप पे स्टेटस बार होते हैं, जिसके अंदर बैटरी का आइकन, टाइम, और उसके बाद और क्या होता है वो वाईफाई का आइकन या सिग्नल्स का आइकन, हम वो भी ऐड करते हैं। तो या तो सारे के सारे आइकन्स हम खुद ऐड कर लेते हैं, यहाँ से फ्री पिक पे जाएं, ठीक है, और यहाँ से हमें वाईफाई सिग्नल चाहिए, सॉरी फ्री पिक पे नहीं, हमने फ्लैट आइकन्स पे जाना था, हमें आइकन्स चाहिए थे, ठीक है। ये फ्री पिक और फ्लैट आइकन का मसला ये कि लैब में नहीं चलेंगे, बिकॉज एक इंटरनेट है, और ये पर यूजर अब 10 जो है ना फ्री पिक से चीजें, यहाँ से 10 की लिमिट है यहाँ पे फ्री पिक पे, और आई गेस इस पे भी थोड़ी सी लिमिट है, ये भी एक लिमिट से ज्यादा आपको डाउनलोड नहीं करना देता चीजें। तो लेट से हम ये वाला पिक करते हैं, वाईफाई का आइकन लेफ्ट होता, राइट पे होता, राइट पे होता, ठीक है। तो यहाँ से हम आई गेस 50 पिक्सल, ठीक है, ये हमारा 50 पिक्सल का बॉक्स हो गया, और हम यहाँ पे एक गाइडलाइन ऐड कर लेते हैं, बिकॉज 50 पिक्सल से ज़्यादा कि हमने ये जो स्टेटस बार है वो नहीं बनाना, दूसरा हमें टाइम चाहिए, तो टाइम हुआ है 2:06 PM, ये हमारा टाइम ऐड हो गया, या बल्कि सिंपली यहाँ से गूगल ही कर लेते हैं, ठीक है, आईफोन स्टेटस बार, ये देखें। तो हम इसमें से कोई एक पिक कर लेते हैं, बाकी तीनों वाली डेल, बस काम बच जाएगा, मैं सारे आइकन ऐड करूंगा तो वो टाइम ज्यादा लगेगा, इसका साइज ज्यादा, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको
ये मार्की टूल से सिर्फ इतना कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और नीचे वाली लेयर डन। ठीक है, इस तरह ये तो अब हमारी जो फ्लैट स्क्रीन है वो थोड़ा सा उसका लुक चेंज हो जाएगा, वो फोन स्क्रीन लगना शुरू हो जाएगी इस तरह। ठीक है, टॉप पे हमने स्टेटस बार ऐड कर लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब बेसिकली ये दो हो तीन हो चार हो जितनी भी, हम उसको बेसिकली डिजाइन के अंदर इंडिकेट करते हैं इस तरह से कि हम कोई ना कोई डॉट्स या कोई ना कोई सिग्नल ऐड करते हैं, लेट्स से डिजाइन एलिमेंट ऐड करते हैं ताकि लगे कि ये सिर्फ एक पेज नहीं है, मल्टीपल पेजेस हैं। तो एक हमें टेक्स्ट चाहिए यहाँ पे, लेट्स से नेक्स्ट का, ताकि इंडिकेशन रहे कि इसके अलावा भी पेजेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इस तरह से बॉक्स ऐड करते हैं और इसके इसको एजेस हम यहाँ से राउंड कर देते हैं। ठीक है, ये तीन एंड हो गए। तो अलर्ट से हमारा पहला पेज है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहां से इसका कलर हम यहां से ग्रे कर देते हैं। ठीक है, इस तरह, और इन तीनों को सिलेक्ट करके अब हमने तीनों को ग्रुप करना है। ठीक है, ताकि पेज के लाइन हो, कंट्रोल जी देन कंट्रोल ए और ये तीनों ग्रुप होकर लाइन हो गए। तो जब भी यहां पे हमने मल्टीपल चीजें लाइन करनी है आपको पहले ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद ग्रुप करने के बाद अलाइन करने के बाद अगेन कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करें तो अनग्रुप हो जाएगा। जिस तरह से हम इलस्ट्रेटर के अंदर करते थे, कोई भी अगर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना है तो हम उसको क्या करते थे, पहले ग्रुप करते थे देन अलाइन करते थे। इसका कलर थोड़ा सा और लाइट करते हैं। ठीक है, इस तरह से, तो ये हमने ये इंडिकेशन ऐड कर दी। और इसी तरह हम क्या करेंगे, अब इसको इसी को मैं इनको भी हम सेंट्रल लाइन कर लें। ओके, हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन सारे ये जो हमने ग्रुप किया हुआ था इसको हम करते हैं स्क्रीन वन और इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल जे और जो नीचे वाली इसको हम जैसे हमने पहले किया था और इसको हम करते हैं स्क्रीन टू और जो फर्स्ट वन है इसको लॉक कर दें, दूसरा हाइड कर दें ताकि ना नीचे वाली डिजाइन आपके सिलेक्ट हो ना मॉडिफाई हो सकते हो। ठीक है, जब भी आपने एक डिजाइन कंप्लीट करना है उसको ग्रुप करके सेकेंड वाला फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट। तो उसके बाद जो पहले वाला उसको लॉक कर लें यहाँ से। ठीक है, पहले लॉक कर लें देन यहाँ से हाइड कर लें। अब हमने क्या करना है, डिजाइन नहीं चेंज करना, लेट्स से हमने जो प्लेसमेंट की इसमें से कुछ भी चेंज नहीं करना है, हमने सिर्फ इतना करना है कि इसकी जगह हमने नई वाली डिस्टेंशन ऐड कर देनी है और यहाँ पे सिर्फ हमने टेक्स्ट चेंज करना है, इसकी जगह हमने ये टेक्स्ट चेंज कर देना है, किसी की प्लेसमेंट नहीं डिस्टर्ब करनी ताकि जितने भी पेजेस डिजाइन हो सबकी प्लेसमेंट डिजाइन के बिल्कुल सिमिलर हो, ठीक, कहीं भी व्यू या हायरार्की ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सेकेंड टेक्स्ट क्या था, ठीक है, पैक योर बैग, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल ए और इसको हमने सेंटर अलाइन कर लेना। ठीक है, नीचे वाला टेक्स्ट पहले डमी है तो उसको एज इट इज रहते थे और अब हमें यहाँ से बैक वाली इलस्ट्रेशन चाहिए, यहाँ से पिक की थी, यहाँ से की थी, तो हम यहाँ से बैकपैक की ले लेते, नहीं है जस्ट बैग। ठीक है, दिस वन, ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। और नीचे से जाके हमने क्या करना है, बल्कि एक टेक्स्ट हमारा रह गया था, अब हमने क्या करना है, बिकॉज हमारा सेकंड डिजाइन है तो हम ये जो ये वाला है इसको हम कलर चेंज कर देंगे इसका यहाँ से दिस वन। ठीक है, और इसके पे क्लिक किया और यहां से
ये देखें, ये इसका ये छोटा सा आइकन है, आप इस पर डबल क्लिक करें तो एक कलर पिकर की ऑप्शन आ जाती है, और यहाँ से हम इसका ये ग्रे कलर कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। और एक बटन हमने ऐड नहीं किया था, सॉरी टेक्स्ट ऐड नहीं किया था, स्किप, बिकॉज अगर कोई नहीं भी देखना चाह रहा स्किप करना चाहे तो किसी भी टाइम इसको यहाँ से स्किप कर सकता है। और इसका कलर हम यहाँ से ग्रे करते हैं, ये इस तरह, ठीक है। तो एक स्किप की भी ऑप्शन है, आप नहीं देखना चाह रहे हैं यहाँ से स्किप करते हैं, अगर देखना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये हमारे दो पेजेस हो गए। अब इसी को हम अगेन यहाँ पे वापस आएंगे और इसको कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट, और इसको भी हम लॉक एंड देन हाइड कर देंगे, और हम उसको यहाँ से इसका रीनेम करके डबल क्लिक करके इसको 3 करेंगे, ठीक है। और लास्ट वन हमारा क्या था, ठीक है, लास्ट था स्टार्ट द एडवेंचर। तो अगेन स्टार्ट द, ये स्पेलिंग है ना, टी वाई, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका साइज बड़ा हो गया, लेट्स से जो नंबर ऑफ करेक्टर्स बढ़ने की वजह से उसकी स्पेस ज्यादा हो गई और वो ऑलमोस्ट एजेस पे जा रहा है, तो हमने ये नहीं करना कि यहाँ से कंट्रोल टी करें और इसका साइज छोटा कर दें, ठीक है। अगर हम इसका साइज छोटा करेंगे, इसका फॉन्ट साइज कितना हो गया, 143, इसको राउंड फिगर करते हैं 140, बल्कि 150 करते हैं, ठीक है। अगर हमने इसका फॉन्ट साइज 150 किया है, विच मीन्स कि हमें जो पुरानी वाली स्क्रीन है इन पे वापस जाना पड़ेगा, इसको भी सिलेक्ट करें, इसका फॉन्ट साइज भी 150 करें और इसको वापस सेंटर लाइन करें, देन इसको अगेन लॉक देन हाइड, और पहली स्क्रीन पे वापस आए लॉक, और इसका फॉन्ट साइज भी हमने यहाँ से 175 की जगह 150 करना, ठीक है। और इसको हम यहाँ से अगेन लॉक देन हाइड, और ये हमारी जो थर्ड स्क्रीन थी अब इस पर वापस आते हैं। तो किसी एक जगह फॉन्ट चेंज करेंगे, किसी एक जगह पोजीशन चेंज करेंगे, तो इसका मतलब है बाकी जितने भी पेजेस थे आपको वहाँ पे जाके वापस सेम फॉन्ट साइज करना पड़ेगा, या हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे, या तो इसको दो लाइन्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर इसको दो लाइन्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे फिर बाकी जितनी हेडिंग है सबको जाके भी टू लाइन्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज डिज़ाइन एलिमेंट कहीं भी हमने व्यू ब्रेक नहीं करना, बिकॉज ये एप्लीकेशन डिज़ाइन और उसके बाद वेबसाइट का डिज़ाइन, यहाँ पे हम क्या करते हैं यूजर के माइंड के अंदर चीज़ें फिक्स करते हैं। जब भी उसको लेट्स से ये जो आपको ये वाला फॉन्ट और हेडिंग नज़र आ रही है, यूजर के माइंड में हम एक चीज़ बिठाते हैं कि जब भी तुम्हें इस सेम कलर सेम फॉन्ट साइज और सेम स्टाइल के अंदर मिलेगा, विच मीन्स ये हेडिंग है, और जब भी आपको ये टेक्स्ट इस तरह से मिलेगा इतने फॉन्ट साइज के अंदर और स्पेसिफिकली ये वाला कलर, तो विच मीन्स ये पैराग्राफ्स हैं, ये डिटेल्स हैं। तो वेब डिज़ाइन के अंदर भी और प्लस एप्लीकेशन डिज़ाइन के अंदर भी हम हेडिंग्स और फॉन्ट्स के जो भी कलर्स फॉन्ट फैमिली और उसके बाद लेट्स से वेरिएंट्स के अंदर से हम थिन लाइट ब्लैक बोल्ड जो भी चूज़ करते हैं उसके बाद कंसिस्टेंट यूज़ करते हैं, ताकि यूजर जहाँ भी देखे उसको देख के पता चल रही है डिटेल है, ये हेडिंग है, यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये नया पेज आ गया, तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, एडवेंचर, हमें एडवेंचर वाली इमेज चाहिए, एडवेंचर दिस, ठीक है, ये पिक करते हैं, और मैंने एसवीजी पिक कर ली, और इसका साइज भी हम ऑलमोस्ट इसके बराबर रखेंगे, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें डिफरेंट लेट्स से कंफ्यूज कर रही हैं तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जितना भी एरिया हमने सेलेक्ट किया यहाँ से हम गाइडलाइंस ऐड कर सकते हैं, देखें कि हमारी जो हेडिंग है मैक्सिमम यहाँ तक आएगी, जो हमारा फॉन्ट है वो मैक्सिमम यहाँ तक है, तो हम गाइडलाइंस भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज गाइडलाइन जितने मर्जी हम फोल्डर शो ऐड करते रहें गाइडलाइन जिस तरह से परमानेंट शो होती रहेगी। और इसके बाद हमने इनका कलर चेंज करना है, ठीक है, इसका कलर अगेन ब्लू, और इस वाले बॉक्स का कलर यहाँ से वापस ग्रे, तो ये हमारा लास्ट पेज हो गया इस तरह से, क्लियर है।
क्वेश्चन है तो बताएं। क्वेश्चन कुछ भी नहीं, ये हमारी तीसरी असाइनमेंट है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इस वीक की पॉडकास्ट, सोशल मीडिया और ये स्प्लैश स्क्रीन और बोर्ड स्क्रीन, और अभी हमारा कल का लेक्चर स्टिल रहता है। बताता हूँ। अच्छा लास्ट पे हमने क्या करना है, जब भी डिजाइन एक्सपोर्ट करना है, अच्छा किया आपने क्वेश्चन पूछ लिया वरना स्किप हो जाना, तो हमने यहाँ से फाइल और यहाँ से एक्सपोर्ट और सेव फॉर वेब, और सेव फॉर वेब की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर्ट देन एस, ठीक है, सारी कीज देन एस, ये फाइल एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब, अगर पुराना वर्जन है जो सीसी से नीचे वाले हैं तो उसमें फाइल देन डायरेक्टली सेव फॉर वेब आता है, जो नए वाले वर्जन है उसमें आप फाइल एक्सपोर्ट देन सेव फॉर वेब, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन है। ये वाला क्लियर है, क्वेश्चन है तो मैं स्टिल कह रहा हूँ आप बता दें। ये जो ये वाली वेबसाइट है जहाँ से हम ग्राफिक्स पिक कर सकते हैं, ये जो ऊपर है, ये सारी की सारी मैं ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, तो आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, आपको ग्रुप से मिल जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट काम हमने अब क्या करना है, तो बस 2:20 हुए तो स्टिल टाइम है, ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, लेट से ठीक है, इस तरह से कोई भी इमेज पिक कर ले जो कि साइन बोर्ड वाली होती है, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा उस तरह के पिक करें जो इस तरह से पर्सपेक्टिव में, ये सीधी वाली पिक नहीं करनी जो बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे हो, ठीक है। जो अभी वाला पार्ट जो सेकंड हम करने लगे वो है कि अगर जिस तरह हम अक्सर मॉकअप्स ऐड करते हैं हर डिजाइन के बाद, दूसरा काम ये है कि हम मॉकअप्स खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, ये जितने भी मॉकअप्स हैं तो आप कोई भी लाइव इमेज पिक कर सकते हैं, जैसे कि हम ये वाली कर रहे हैं या ये वाली पिक करें, ठीक है, जिसके अंदर ये पर्सपेक्टिव हो, ठीक है, फ्लैट स्ट्रेट इमेज नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरह की पिक करें, इस तरह की पिक करें, या एक क्लास में हम खुद भी बना लेंगे, ठीक है, तो कोई भी इमेज पिक कर लें, और मेक श्योर कीजिएगा टूल्स में जाके इसका साइज लार्ज कर लीजिएगा, बिकॉज लो रेज इमेजेस में बिल्कुल काम ना किया करें, लो रेज इमेजेस का नुकसान ये है कि जो भी बाद में आप डिजाइन ऐड करेंगे वो भी ब्लरी होगा, तो इमेज वो पिक कीजिएगा लेट से जो 1000 पिक्सल या 1200 1400 1500 से अबव हो, ये भी अभी इसका टॉपिक रहता है, अभी हमने 3 लेक्चर्स और हैं इसके, कल का या मे बी मंडे को क्लोज करेंगे, मे बी ट्यूसडे को, अभी तो हमने सिर्फ पहला पार्ट किया इसका, ठीक है, इमेज कर ली पिक सबने, इमेज पिक कर ले, इसलिए तो आपको टाइम दिया हुआ जी,
किस पे? ये एप्लीकेशन डिजाइन तब भी पिक्सेल्स में लगाएंगे, ये मिस कर लिया पिक्सल में, बाकी काम की प्रैक्टिस बाद में कर लीजिएगा, ये वाला साथ साथ करते हैं। ये इसके बाद हो गया पिक्सअप का। अच्छा अब आपका मैं एकदम देख लीजिएगा, तब उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। तो पहला काम हम क्या करते हैं, चाहे ये वाला बिलबोर्ड है या लेट से इसके बाद हम साइन बोर्ड भी कर लेते हैं, ये जो मर्जी इमेज है, जब भी आपने काम करना है सबसे पहले एक तो हमने यूज करना है यहाँ से ये क्रॉप टूल के नीचे, देखिए क्रॉप टूल के नीचे आपको मिलेगा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ठीक है ये वाला। दूसरा काम हमने ये करना है, एक तो हमने ये टूल यूज करना है, पहला काम हम क्या करते हैं, मैं आपको पहले थोड़ा थ्रेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला काम हम ये करते हैं कि जो आपको ये पर्सपेक्टिव नजर आ रहा है, हमने इस पर्सपेक्टिव को क्रॉप करना होता है, इसको क्रॉप करके हमने स्ट्रेट बॉक्स पे कन्वर्ट करना है, देन हम इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं और इसको वापस इसी शेप के अंदर दोबारा से रीएडजस्ट करते हैं, ठीक है। और देन स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले लेयर पर डबल क्लिक करके उसको सेपरेटली ओपन करते हैं और अपना फाइल जो भी डिजाइन है वहां पे पोस्ट करते हैं, जिस तरह नॉर्मली हम मॉकअप्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, जिसके कॉर्नर जो एजेस हैं हम वो डिफाइन करते हैं कि जहां से हमने क्रॉप करना है, तो यहां से गाइडलाइन ली और इसको हमने यहां पे ऐड कर दिया बिकॉज ये इसका टॉप लेफ्ट है, और इसी तरह टॉप से हमने ये गाइडलाइन ली और इसको हमने ये डिफाइन कर दिया बिकॉज बाद में जब हम इस इमेज को यहां से क्रॉप करेंगे, जब हमने इसको एग्जैक्ट रिप्लेस करना है तो हमारे पास ये गाइडलाइन होनी चाहिए, बिकॉज बाद में आइडिया नहीं होता। और इसी तरह इसका जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर है हम इस पे भी गाइडलाइन चैट करेंगे इस तरह से, और देन इसके बाद ये इसका राइट बॉटम लाइक दिस, और उसके बाद ये वाला, ठीक है ये, और उसके बाद ये वाला, ठीक है ये हमने इस तरह से गाइडलाइन चैट कर ली। और अब हमने क्या करना है, गाइडलाइन हमने इसलिए ऐड किया बिकॉज हमने ये जो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, एक तो ये वाला क्रॉप टूल, मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। तो अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक एरिया क्रॉप करना हो, आप सिंपली क्लिक करके ड्रैग करें तो आपको सिलेक्शन दे देगा, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका एरिया क्रॉप हो जाएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड क्रॉप टूल है उसके अंदर पर्सपेक्टिव की ऑप्शन नहीं है, मतलब आप उसको रोटेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप उसके पॉइंट्स चेंज नहीं कर सकते, जिस तरह से पेन टूल से या लेसो ये जो पॉलीगन लेसर टूल है जैसे हम उससे पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। ओके तो हमने क्या करना है, यहाँ से पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल सेलेक्ट किया और ये आपने सिंपली क्लिक करना है, ठीक है हमने एग्जैक्ट इस पॉइंट से जो ये वाला है, ठीक है इस पे हमने क्लिक किया सिंपली एक एक दफा, ठीक है हमारे पास ये लाइन आ गई, तो इस लाइन को हम क्या करते हैं, हम इस वाले कॉर्नर पे आते हैं जो इसका राइट वाला कॉर्नर था, और इसको जूम करके मेक श्योर कर लें कि जो आपने गाइडलाइन ऐड की थी आपने एग्जैक्टली वहां पे प्लेस करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए बॉक्स में कन्वर्ट हो गया, तो इसी तरह हम बॉटम पे आएंगे, कंट्रोल माइनस, और इस कॉर्नर को जूम करके हमने एग्जैक्ट इस कॉर्नर में प्लेस करना है ये अपना, ठीक है।
और अगर ये देखें अगर माइनर सा भी डिफरेंस होगा तो जब बाद में हम डिज़ाइन अपना ऐड करेंगे तो बैकग्राउंड नज़र आ रही होगी, तो इसलिए आपको केयरफुली सारे के सारे कॉर्नर्स के फाइंड आउट करने हैं। और गाइडलाइन ऐड करने का मकसद ये था ताकि हमारे पास इसके एग्जैक्ट कॉर्नर्स हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारा क्रॉप टूल ये पर्सपेक्टिव के अंदर ऐड हो गया, क्लियर है यहाँ तक? वैसे ना तो अभी बता दें, बिकॉज इसके बाद वाला स्टेप होगा छोटा सा ट्रिकी है। तो जब भी आप इस तरह से क्रॉप टूल ऐड करेंगे, क्रॉप टूल ऐड करने के बाद पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, देख लीजिएगा देन प्रैक्टिस कीजिएगा। सायरा इधर, तो पहला काम आपने ये करना है कि क्रॉप करना है, ठीक है। ये आपने ये गाइडलाइंस ऐड कर देनी है, ठीक है। इसके बाद एंटर प्रेस करें तो आपका जो भी डिज़ाइन था ये इस तरह से क्रॉप हो जाएगा, रिगार्डलेस उसकी विड्थ एंड हाइट क्या बनती है, रिगार्डलेस उसका लेट से व्यू क्या आता है। आपने क्या करना है इसके बाद, ये वाला पॉइंट टिक किया, बस ये याद रखिएगा, कंट्रोल ए हमने सेलेक्ट ऑल कर लिया, उसके बाद मेक श्योर करें जो लेयर आपने क्रॉप की है उसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें, ठीक है। देन यहाँ से हमने अंडू करना है वापस, तो ओरिजिनल डिज़ाइन में हमने वापस आ देना, सिर्फ हमें वो एरिया चाहिए था जिसके अंदर हमने अपना डिज़ाइन ऐड करना, जो जो कि हमें यहाँ पे ये एरिया नज़र आ रहा है इस तरह से, ठीक है। क्रॉप किया, कॉपी किया, देन उसके बाद कंट्रोल और कॉपी करने के बाद अंडू करके वापस आए और वो डिज़ाइन हमने यहाँ पे वापस पेस्ट कर लिया जो हमने क्रॉप किया हुआ था, ठीक है। इसको मॉडिफाई करने से पहले या कुछ भी करने से पहले हमने इसको राइट क्लिक करना है और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है। अब ये जो हमारा जो आपको इमेज ये प्लेन और स्ट्रेट नजर आ रही है हमारी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अगर इसको मैं कंट्रोल टी करके छोटा कर दूं, ये देखें इस तरह से, या इवन इसको जैसे इधर इतना भी ख़राब कर दूं, लेकिन जब भी हम ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे हमें हमारी ये वाली इमेज हमेशा इस तरह से मिलेगी, क्लियर है ये वाला पॉइंट? क्वेश्चन तो बता दें यहाँ पे, बिकॉज इस वाले पार्ट में ट्रिकी पार्ट यही सिर्फ इतना वाला कि हम क्या करते हैं पहले पर्सपेक्टिव टूल के अंदर क्रॉप करते हैं, क्रॉप करने के बाद कंट्रोल ए हमने वो लेयर जितना एरिया हमने क्रॉप किया उसको कॉपी किया देन अंडू किया बिकॉज हमें ये वाला डिज़ाइन वापस चाहिए और इसके ऊपर आगे हमने इसको पेस्ट किया देन इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसका एक कॉर्नर को हमने यहाँ से पकड़ना है और हमने इसको एग्जैक्टली यहाँ पे वापस प्लेस करना है इस कॉर्नर पे, ठीक है। और इसके बाद कंट्रोल टी और यहाँ से हम इसको करते हैं डिस्टॉर्ट करते हैं, ठीक है। डिस्टॉर्ट करने से क्या होगा कि आप इंडिविजुअली एक एक कॉर्नर जैसे मर्जी जिस मर्जी एंगल पे मूव कर ले, ठीक है। और हमने इसके जो जितने भी कॉर्नर्स हैं इनको वापस जो हमने गाइडलाइंस ऐड की थी हमने एग्जैक्ट उन कॉर्नर्स पे वापस प्लेस करना है, ठीक है। ये गाइडलाइंस हमें अब बेनिफिट देंगे बिकॉज जब हम रीप्लेसिंग करेंगे क्रॉप करने के बाद तो हमें इसका तब आइडिया होगा कि हमने एग्जैक्टली डिजाइन प्लेस किधर करना था, एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद सिंपली एंटर प्रेस करना। अब हमने करना है इस वाली लेयर को डबल क्लिक करना है और यहाँ पे हम अपना कोई भी डिजाइन ऐड कर देते हैं या बल्कि इमेज ही पिक कर लेते हैं, और इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इस तरह से, कंट्रोल एस फॉर सेव। इस फाइल को हमने क्लोज किया तो यहां पे हमारा डिजाइन ऐड हो गया, क्लियर है। तो अब मैं अगर आप इतना कर लें, कौन से वाले स्टेप पे थे हम, ठीक है यहां तक इतना कर लें, इसके बाद मैं आपको वापस रिपीट कर दूंगा। तो पहला काम मैं आपको वैसे स्टेप दोबारा बताता हूँ ताकि आपको याद रहेंगे। पहला काम आपने ये करना है कि हर कॉर्नर्स पे अपने गाइडलाइंस ऐड करनी है, बिकॉज गाइडलाइन ऐड करेंगे तो जब पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल ऐड करेंगे आपको तब भी कॉर्नर्स का आइडिया होगा, जब डिजाइन हम रीप्लेस करेंगे हमें तब भी कॉर्नर्स का आइडिया होगा, और उसके बाद पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से वो चारों कॉर्नर्स पे आप एक एक दफा क्लिक कर दें और देन उसके बाद एंटर प्रेस करें, आपका वो इमेज क्रॉप हो जाएगा, उसके बाद कंट्रोल ए सी कॉपी और अंडू करके वापस आ जाए जब तक आपका ओरिजिनल वाला डिजाइन वापस नहीं आता।
और जब पेस्ट कर ले इसके बाद वाले स्टेप मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो आप उस पॉइंट को बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। Thank you.
चले हम शुरू से करते हैं। ठीक है, आपको एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ, इवन हम ये भी क्लियर कर देते हैं। नहीं, गाइडलाइन से बिल्कुल जीरो से करते हैं, इससे भी पहले करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप जो है तो बिल्कुल स्टार्ट से मैं आपको वहां से एक्सप्लेन करता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी कॉर्नर्स आप सेलेक्ट करें वो बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमने गाइडलाइन ऐड की ये इस पॉइंट पे। ठीक है, ये देखें यहां से ब्लैक है, तो मैं दूसरी हमने ऐड की यहां से ये व्हाइट वाले पिक्सल के ऊपर। ठीक है, इसी तरह हम बॉटम वाली करते हैं। तो जितनी एक्यूरेट आप जब गाइडलाइंस ऐड करेंगे बाद में प्लेसमेंट भी उतनी एक्यूरेट आएगी आपकी। ये वाला ऑलमोस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो इसी तरह हम ये टॉप वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे सारी गाइडलाइंस ऐड होगी। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट को वापस जूम कर लेते हैं और यहाँ से प्रस्पेक्टिव क्रॉप टूल और पहला पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, अब कीबोर्ड से आप स्पेस प्रेस करके ये हैंड टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला काम माउस के साथ ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज अगर माउस यूज़ नहीं कर रहे तो क्लिक इसको जस्ट ट्रैक करते रहें इस तरह से, या कंट्रोल माइनस कर लें और देन यहाँ पर ले। ठीक है, और इसी तरह जो हमारा ये कॉर्नर है एग्जैक्टली हमने यहाँ पे भी क्लिक करना है। ठीक है, ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए और इसको हम कंट्रोल माइनस करके अगेन बॉटम पे ले जाते हैं। ठीक है, हमारा ये थर्ड पॉइंट हो गया और इसी तरह ये जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है हम ये ऐड करते हैं, छोटा ही कर लेते हैं, सफर लंबा हो गया। ये मिल गया। ठीक है, लास्ट हमारा ये पॉइंट हो गया और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं बाद में, ये देखें इस तरह से ये सारे पॉइंट्स को, अगर कोई एक्यूरेट नहीं है तो आप उसको यहां से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और सारे पॉइंट्स एक्यूरेटली कंफर्म करने के बाद जब आप क्रॉप टूल ऐड कर लें, पहला काम है आपने एंटर प्रेस करके क्रॉप अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जो आपकी इमेज है वो क्रॉप होके आप पर्सपेक्टिव व्यू की जगह ये प्लेन व्यू आ जाएगा। अब कंट्रोल ए, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा यहाँ से लेयर आपने सिलेक्टेड हो। कंट्रोल सी फॉर कॉपी। अब हमने इसको अंडू कर लेना है कंट्रोल आर्ट और जी के साथ, और ये तब तक अंडू करना है, कंट्रोल आर्ट जी हमने तब तक प्रेस करना है जब तक हमारा ये डिज़ाइन वापस नहीं आ जाता, देन कंट्रोल वी प्रेस कर दें। तो अगर आपकी ये वाला डिज़ाइन जो वहाँ पे नज़र आ रहा था एग्जैक्टली यही कॉपी पेस्ट होता है, तो इसका मतलब आपने ठीक कॉपी भी किया था, क्रॉप भी बिल्कुल ठीक किया था। अगर आपकी पूरी इमेज या कुछ और कॉपी पेस्ट होता है तो इसका मतलब है कि आपने ठीक से क्रॉप नहीं किया हुआ। यहाँ तक कर ले, फिर नेक्स्ट करते हैं। हो गया सबका यहाँ तक? किस किस का रहता है?
अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस इमेज को आपने ट्रांसफॉर्म करने से पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है, बिकॉज जिस भी कंडीशन में ये जो आपको अभी लेयर नजर आ रही है, जिस भी कंडीशन में कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे उसकी वो वाली जो कंडीशन है वो प्रिजर्व हो जाएगी। तो बाद में जब भी हम इसको डबल क्लिक करके मॉडिफाई करेंगे हमारे पास ये प्लेन बैकग्राउंड इसी तरह ही आएगी। तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, बल्कि पहले इसको हम किसी एक पॉइंट पे ले आते हैं ताकि हमें एक कॉर्नर को ट्रांसफॉर्म ना करना पड़े। ये हमारा एक कॉर्नर ट्रांस, ठीक है। अब कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म और देन राइट क्लिक करें, उसको डिस्टॉर्ट करें। इसका अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाह रहे हैं तो आप जितने भी कॉर्नर्स हैं कंट्रोल प्रेस करके भी अगर उनको ड्रैग करेंगे, ये देखें कंट्रोल टी, अगर आप डिस्टॉर्ट नहीं भी करते हैं तो कंट्रोल कीबोर्ड से होल्ड कर लें और देन आप किसी भी कॉर्नर पे प्रेस करके ड्रैग करेंगे तब भी ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने फ्रीली करना है तो कंट्रोल टी राइट क्लिक कर क्लिक करें और देन यहाँ से इसको डिस्टॉर्ट कर लें, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस करके मैं जूम कर लेता हूँ और हमने इनको ईच कॉर्नर को जिस जिस पॉइंट से हमने इसको क्रॉप किया था एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे हम इसको वापस ले आना है। ठीक है, इस तरह से अब एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाले ये दो स्टेप्स हैं। तो कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, देन राइट क्लिक करें और डिस्टॉर्ट पे क्लिक करें और सारे कॉर्नर्स वापस सेम गाइडलाइंस पे ऐड कर लें जहाँ से हमने इसको क्रॉप किया था। और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है कि जो हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर है इस पर डबल क्लिक करें, अपना सिंपली डिजाइन ऐड करें और सेव करें, क्लोज कर दें। ठीक है, ये लास्ट स्टेप हो गया एंड दैट्स इट। आपने ट्रांसफॉर्म करने से पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। अगर ट्रांसफॉर्म करने के बाद स्मार्ट ऑब्जेक्ट में काम कन्वर्ट करेंगे तो बेनिफिट कोई नहीं होगा आपको। तो डिस्टॉर्ट करने से पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कीजिएगा, यानी मैं लिख के देता हूं। आपने पेज करने के बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना उसको। मैंने ऑर्डर भी लिख दिया। तो कॉपी पेस्ट करने के बाद पहला काम आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है, देन आपने ट्रांसफॉर्म और डिस्टॉर्ट करना है। ट्रांसफॉर्म डिस्टॉर्ट आपने पहले नहीं करना, बिकॉज ट्रांसफॉर्म डिस्टॉर्ट पहले कर देंगे तो आपके पास ओरिजिनल इमेज है वो चेंज हो जाएगी। तो हमें ओरिजिनल इमेज पहले चाहिए।